हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की, लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएगी। यह अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव, ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार ने कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं उभरे। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं हुई। उनके किसी भी विधायक सांसद पर कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है, और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। तीसरा, लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि दो अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन, रिलीजन, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं होता। और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं तो डॉक्टर लोहिया का एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष, इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदनात्मक और विभाजनकारी जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता देवी उसको अच्छा नहीं मानता, और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून की व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते।